तो देखिए ये क्वेश्चन 2021 में आया था बच्चों, तो अगर आप 3D4 और 3D6 का देखेंगे, इन दोनों का, इसमें बहुत कुछ तिवारी स्पेशल होने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और इनके जो एग्जाम्पल है मैंने आपके सामने रखे हैं, Ni2, Fe0, Mn-1। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसआरएफ इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर 5 करने जा रहे हैं, एंड आई होप आपको पहले 4 लेक्चर्स पसंद आए हों। आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा हाई स्पिन वर्सेस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ये जो लेक्चर है इसमें बहुत कुछ तिवारी स्पेशल होने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और इसकी मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आपको कभी भी हाई स्पिन या लो स्पिन इसको पता करने में दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सशक्त, एकदम गजब तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज क्या क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉज ऑफ हाई स्पिन एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। फिर हम लोग देखेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को। ठीक, तो देखिए ये क्वेश्चन 2021 में आया था बच्चों। 2021 में उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, ये वाला एक कॉम्प्लेक्स दे दिया था और इसके अंदर इसकी ज्योमेट्री और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे थे। ये 2021 का क्वेश्चन है। अब ज्योमेट्री तो क्लियर हो जाती थी क्योंकि ये बल्कि लिगेंड है, इसीलिए टेट्राहेड्रल प्रेफर करता है। और आपको मैं बता दूं, आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको प्रेफरेंस ऑफ ज्योमेट्रीज भी कराऊंगा, वो जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अभी मान लेते हैं कि ये टेट्राहेड्रल एग्जिस्ट करता है। पर टेट्राहेड्रल एग्जिस्ट करने के साथ ये हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा ये डिसाइड करता है कि इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बनेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे किया जाए और इससे मिलते जुलती अगर कुछ आएगा तो उसको हम अटेम्प्ट कैसे कर सकते। सबसे पहले हम लोग कॉज को पढ़ते हैं कि हाउ डू वी डिसाइड वेदर द कॉम्प्लेक्स विल बी हाई स्पिन और लो स्पिन। तो मैंने आपके सामने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग बना दी है और एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग बना दी है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इस गैप को हम लोग डेल नॉट बोलते हैं। सही बात है, मान लेते हैं कि जो पहले 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो यहां आएगा। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है, चौथे इलेक्ट्रॉन के पास 2 चीजें हैं, या तो वो यहीं नीचे रुक जाए। अगर नीचे रुक गया तो हम बोलेंगे ये लो स्पिन हो गया, क्योंकि ये पेयर हो गया, स्पिन की वैल्यू कम हो गई, तो ये लो स्पिन कहलाएगा। नहीं तो ये क्या कर सकता है, ये ऊपर जा सकता है। अब ऊपर चला गया तो अनपेयर्ड कहलाएगा, तब ये हाई स्पिन बन जाएगा। क्लियर? तो अब इनको किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये देखिए। यहां पे अगर इसको पेयर करना है तो यहां लगेगी इसकी पेयरिंग एनर्जी। क्या लगेगी? पेयरिंग एनर्जी, जिसको हम पी बोलते हैं। और अगर इसको यहां जाना है तो इसको ही लगेगा पूरा का पूरा डेल नॉट, मतलब ये डेल नॉट का गैप अचीव करना पड़ेगा। क्लियर है? यही सेम चीज टेट्राहेड्रल में भी होती है। टेट्राहेड्रल में 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब जो तीसरा, 2 इलेक्ट्रॉन नीचे आराम से भरे जा सकते हैं, पर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। सिमिलरली यहां पर भी पेयरिंग एनर्जी झेलनी पड़ेगी और यहां पर क्या झेलना पड़ेगा, डेल नॉट। क्लियर? तो इसीलिए 3 केसेस बन जाते हैं बच्चों। कितने केसेस बन जाते हैं? 3 केसेस बन जाते हैं। पहला केस जब आपका डेल इज ग्रेटर देन पी, दूसरा केस डेल इज नियरली इक्वल्स टू पी, और तीसरा केस डेल इज लेस देन पी। सही बात है? तो आप यहां पे देखोगे, यहां पे पेयरिंग एनर्जी स्मॉल है, यहां पे पेयरिंग एनर्जी स्मॉल है, इसीलिए पेयरिंग प्रेफर हो जाएगी। जो एनर्जी कम लगेगी वही प्रेफर होगी। यस, पेयरिंग प्रेफर होगी तो ये क्या बन जाएगा, लो स्पिन। पेयरिंग प्रेफर होगी तो ये क्या बन जाएगा, लो स्पिन। और यहां आप देखोगे तो पेयरिंग एनर्जी लार्ज है तो पेयरिंग नॉट प्रेफर्ड, प्रेफर्ड नहीं होगी, इसीलिए यहां पे क्या बन जाएगा, हाई स्पिन। ये गैप को अचीव करके ऊपर चला जाएगा और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अगर डेल इज लेस देन इक्वल टू पी है, ग्रेटर, यहां पे ये आ जाता है, तो यहां पे हाई स्पिन और लो स्पिन का इक्विलिब्रिया चलता है, जो हम स्पिन क्रॉसओवर कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं बच्चों? हम स्पिन क्रॉसओवर कॉम्प्लेक्सेस में पढ़ते हैं।
चलेगा कि नहीं चलेगा। एक क्वेश्चन है जो IIT जैम 2015 में पूछा था, हम लोग इसमें PYQs भी कवर करते हुए चलेंगे ताकि साथ ही साथ आपको क्लैरिटी रहे। इसने बोला है द फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आर हाई स्पिन, सारे के सारे हाई स्पिन है। तो हाई स्पिन क्यों होता है? हाई स्पिन तभी होता है जब डेल इज लेस देन पी होता है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल बोल रखा है तो ये डेल टी हो जाएगा। इसीलिए आपका जो ऑप्शन है वो क्या बन जाएगा? वो बी ऑप्शन बन जाएगा। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जब हम आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि देखिए, सबसे पहले अगर आपको हाई स्पिन लो स्पिन निकालना है, आपको समझ में आना चाहिए कि D1 से लेकर D3 तक हाई स्पिन लो स्पिन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, D8 से लेकर D9 D10 तक हाई स्पिन लो स्पिन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। D8 में हाई स्पिन लो स्पिन एग्जिस्ट करेगा स्केयर प्लेनर और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में, यहां बात नहीं होती। ठीक, तो यहां पे हमेशा वो कैसे भी लिख लो आंसर सेम ही आएगा। जो हाई स्पिन लो स्पिन एग्जिस्ट करता है वो D4 टू D7। अब इसमें से भी कई केसेस हैं जो हमेशा लो स्पिन है, जो क्या है हमेशा लो स्पिन रहेंगे। वो कौन कौन से केसेस हैं? वो है अगर आपका मेटल 4D और 5D होगा, आपको पता है इससे बहुत ही ज्यादा डेल बढ़ जाता है तो वो हमेशा लो स्पिन होगा। या फिर अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू +4 हो तो भी वो हाई स्पिन नहीं बनेगा, लो स्पिन बनेगा। तो ये दो चीजें तो क्लियर हो गई, जनरली आपको पता भी होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो नेक्स्ट आने जा रहा है ये है तिवारी स्पेशल। ये मैंने अपनी जिंदगी के 10 घंटे बैठ के सारे कॉम्प्लेक्स ढूंढे थे, उसके बाद मुझे ये पता चला था। क्लियर है बच्चों? देखिए जरा ध्यान से यहां पे। तो आपको पता है 3D4 से 3D7 ही दिखा सकता है। ठीक, तो जब अगर आपके मेटल की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कौन होगा? Mn3+ ही होगा। हम लोग 3D की बात करें, 45D खत्म हो चुका है, तो जब उसकी लिगेंड फील्ड ग्रेटर देन इक्वल टू साइनाइड होगी तभी वो लो स्पिन होगा, अदरवाइज कैसा होगा? हाई स्पिन। अगर आपका Fe+3 है तो वहां पे अमोनिया होता है, अगर अमोनिया होगा तब होगा वो लो स्पिन, अमोनिया या अमोनिया से ज्यादा, और अगर अमोनिया से कम है तो वो हाई स्पिन बनेगा। अगर कोबाल्ट +3 की बात कर रहे हैं तो आपका ऑक्सलेट या ऑक्सलेट से ज्यादा होगा तभी लो स्पिन बनेगा, अदरवाइज बनेगा हाई स्पिन। और निकल +3 जो 3D7 होता है ये हमेशा लो स्पिन होता है, इसमें सोचना ही नहीं होता है, ये हमेशा लो स्पिन रहेगा। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ASAP Chem Time ऐप, जहां पे आपको IIT जैम, CSIR नेट, गेट्स, UET PG, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता। तो देरी किस बात की है, डाउनलोड कीजिए ASAP Chem Time ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पिछली बार याद करा रखी थी। तो साइनाइड आप देखिए यहां कहीं लाई करता है, अमोनिया यहां कहीं लाई कर रहा है, ऑक्सलेट यहां कहीं लाई कर रहा है। क्लियर? मतलब अगर आप OH- लेकर आओगे तो आपको समझ में आ जाए। 3D मेटल्स अगर आप लो स्पिन की बात करते हैं, 3D मेटल्स में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? +2 या लोअर, लोअर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लोअर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। क्लियर? ठीक, तो यहां क्या है, पर आपको इतनी टेंशन नहीं लेनी, आपको जो ऑर्डर आप +2 का लगाओगे वही आप लोअर का लगा दोगे, काम चल जाएगा। एक दो जगह इधर उधर होता है पर उतना जाने दीजिए, उतना करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप 3D4 और 3D6 का देखेंगे, इन दोनों का, तो इन दोनों के लिए अगर लिगेंड फील्ड ग्रेटर देन इक्वल टू बाइपिरिडाइल हो जाता है तो वो लो स्पिन, एल्स हाई स्पिन। Mn+3 के लिए जब साइनाइड था तो +2 के लिए भी क्या रह जाता है? साइनाइड ही रह जाता है। साइनाइड या साइनाइड से ज्यादा होगा तो लो स्पिन, अदरवाइज हाई स्पिन। सिमिलरली अगर आप कोबाल्ट +2 की बात करेंगे तो वहां पे जो लिगेंड आता है वो आता है NO2-। एक NO2 जो नाइट्रोजन डोनर होगा, ऑक्सीजन डोनर वाला नहीं, नाइट्रोजन डोनर वाला NO2, वो या उससे ज्यादा होगा तभी लो स्पिन होगा, अदरवाइज लो स्पिन नहीं होगा। तो ये मैंने आपके लिए समरी बना दी है ऑक्टाहेड्रल की, ताकि आप आराम से कर सकें। देखिए ऑक्सलेट यहां कहीं लाई करता है, अमोनिया यहां कहीं, Fe+3 के लिए और बाइपिरिडाइल Fe+2 क्रोमियम के लिए, NO2- के ये जो है ये कोबाल्ट +2 के लिए, और सबसे ज्यादा साइनाइड Mn2+ Mn3+ के लिए होता है। ठीक,
जब भी कभी हम डीएन इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं वो एन माइनस वन डी प्लस एनएस इलेक्ट्रॉन एस के इलेक्ट्रॉन को भी मिला के ही डी इलेक्ट्रॉन्स माने जाते हैं। क्यों, ये मैं आपको एलएफटी में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी के लिए आप इसको मान के चलेंगे कि जो एस के भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो डी में ही काउंट किए जाते हैं। आई होप आपको ऑक्टाहेड्रल समझ आ गया होगा। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, आपको समझ में आया है कि नहीं आया। तो ये हमारा गेट 2009 का क्वेश्चन है, यहां पे दिया हुआ है रुदेनियम H2O 6 2 प्लस। अब आपको पता है ये 4D 6 हो गया। अब 4D तो हमेशा कैसा होता है, लो स्पिन होता है, तो यहां पे जब आप भरोगे तो पहले नीचे ही भरना है और कहीं नहीं, पहले नीचे ही भरना है। तो ये आपका T2G6 बन जाएगा और EG क्या बन जाएगा, 0। तो इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 आएंगे। क्लियर, तो डी ऑप्शन क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपका टिफर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ऑक्टाहेड्रल से रिलेटेड। आइडेंटिफाई द स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अमंग्स द चॉइसेस गिवन बिलो, हाई स्पिन चूज करना है। तो यहां देखेंगे कोबाल्ट प्लस 3 है, कोबाल्ट प्लस 3 को अगर आप याद करेंगे तो ये रहा कोबाल्ट प्लस 3, ऑक्सलेट या ऑक्सलेट से कम होना चाहिए तभी हाई स्पिन बनाएगा, वरना हाई स्पिन नहीं बनाएगा। अगर यहां पे लिगेंड फील्ड चेक की जाए, फ्लोराइड से ज्यादा होती है ऑक्सलेट, ऑक्सलेट से ज्यादा होता है अमोनिया, अमोनिया से ज्यादा होता है साइनाइड। तो ये दोनों तो लो स्पिन बनाएंगे और ये क्या बनाएगा, ये हाई स्पिन बनाएगा, तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स सी बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में ऑल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर हाई स्पिन, ये क्वेश्चन आपको जैम में भी मिला था, एक्सेप्ट फॉर सम बल्की लिगेंड्स। सिर्फ कुछ बल्की लिगेंड्स हैं जहां पे बल्की लिगेंड्स क्या करते हैं, रिपल्शन ज्यादा लेकर आते हैं, जब ज्यादा रिपल्शन लेकर आते हैं तो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना सकता है। क्लियर, तो इसीलिए उसमें जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है, कुछ आपको मैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स करा देता हूं, उसमें जो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है वो है नॉर्बोराइल कॉम्प्लेक्स। कौन सा, नॉर्बोराइल कॉम्प्लेक्स। मेटल प्लस 4 है यहां पे मेटल प्लस 4 है और ये नॉर्बोरिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो ये नॉर्बोराइल कहला रहा है यहां पे। तो ये मेटल हो सकता है Fe और कोबाल्ट, Fe D4 होगा, कोबाल्ट D5 होगा, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो जब आप चार इलेक्ट्रॉन भरने जाते हैं तो ये दोनों के दोनों लो स्पिन है, तो Fe4 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, 0। और यहीं पे कोबाल्ट D5 जब आप लो स्पिन भरते हैं तो यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलते हैं, 1। क्लियर है, चार इलेक्ट्रॉन भरने के बाद पांचवा ऊपर भरा जाता है। सही है बच्चों। अगर आप देखेंगे जो दूसरा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन सकता है वो बनता है ये कोबाल्ट का। ये एक्चुअल में परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है, इसकी जो ज्योमेट्री हो जाती है वो C3V हो जाती है। क्या हो जाती है, C3V। और यहां से ये PPH2 ये वाला लिगेंड है ये ही लग जाता है, ठीक है। तो जैसे नॉर्बोराइल कॉम्प्लेक्स था वो वैसा ही है, बस नॉर्बोराइल में यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे ऐसे यहां पे आयोडीन लग गया, बाकी सब कुछ सेम है, ऐसा ही है। और यहां पे हर जगह PPH2 और यहां पे PPH2 लग गया है और इस जगह पे यहां पे बोरॉन लग गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो कोबाल्ट की जो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर आप देखोगे तो 4 और 3 7 है, तो जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है ये -1 यहां पे भी होगा, ये -1 यहां पे, कोबाल्ट +2 है, तो ये D7 है, कोबाल्ट +2 D7 है, सही है। और ये D7 के 6 इलेक्ट्रॉन तो नीचे भर जाते हैं, 7वां इलेक्ट्रॉन यहां भर जाता है। आप कहोगे ये परफेक्ट टेट्राहेड्रल तो है नहीं, तो परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं है, इसी की वजह से ये C3V के आधार पे टूट रहा है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें अलग रह जाता है, इसीलिए इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड जो एग्जांपल है उसमें क्रोमियम है, क्रोमियम +2 है, यहां पे NO +1 है, NSiMe2, ये तीनों -1 है, क्रोमियम +2 D4 होता है और ये D4 लो स्पिन बन जाता है, ये भी C3V में ही बनेगा, ये भी कौन सी ज्योमेट्री में बनता है, C3V, ऐसा ही कुछ। क्लियर है। तो यहां पे भी ये D4 लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जहां पे ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन यहां भर जाते हैं और इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के 3 आपको लो स्पिन, आपको ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के 3 कॉम्प्लेक्स आपको याद रखने, बाकी सारे के सारे हाई स्पिन होते हैं, उसमें टेंशन लेनी ही नहीं है, ठीक। तो ये देखिए क्वेश्चन
अब इसको सीखने के बाद जो मैंने क्वेश्चन आपसे स्टार्टिंग में पूछा था वो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो यहां पे आपको पता ही लग गया था कोबाल्ट प्लस फोर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा, तो स्केयर प्लेनर वाले दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो टेट्राहेड्रल है तो ये आपको पता है डी फाइव लो स्पिन है, डी फाइव लो स्पिन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही आया था, तो पांच की जगह कितना आ जाएगा एक, इसलिए आपका ऑप्शन ए बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेट जून 2012 का क्वेश्चन है, किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहां पे Fe3 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ये D5 हाई स्पिन होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पांच है, पांच से ज्यादा तो बनता नहीं है, बाकी देख लेते हैं। यहां पे वेनेडियम प्लस फोर है, प्लस फोर कितना D1 हाई स्पिन बनाओ या लो स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही होगा। यहां पे कोबाल्ट टू डी सेवन ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही है, ये जब टेट्राहेड्रल होगा तो ये हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन होगा तो यहां पे भर दीजिए एक दो तीन चार पांच छह और सात, कितने अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इसके तीन आ जाएंगे, क्लियर है। और कोबाल्ट अमोनिया सिक्स थ्री प्लस ये इसका ऑक्टाहेड्रल है, डी सिक्स लो स्पिन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें बैठेंगे, यहां आपके FeCl4 2 माइनस में, FeCl4 माइनस में पांच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा किसी में नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री है, तो जो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री है उसमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस सिर्फ और सिर्फ D8 कॉन्फिगरेशन के लिए होते हैं, किसके लिए D8। तो इनके जो एग्जांपल है मैंने आपके सामने रखे Ni2, Fe0, Mn-1, ये सबके सब अगर आप देखोगे तो ये D8 ही होता है, ये D6S2 होता है which becomes equals to D8, ये भी D6S2 ही होता है which becomes equals to D8। तो जहां पे भी साइनाइड या CO लिगेंड से ज्यादा होगा तो ये लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, और जब लो स्पिन बनाते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनमें जीरो आ जाता है। तो इनमें अगर कोई पूछेगा कि आपको कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो आप बोलेंगे जीरो। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको हाई स्पिन और लो स्पिन इन दोनों में ये समझ में आ गया होगा कि कैसे किसी को हाई स्पिन बताना है, कैसे किसी को लो स्पिन बताना है। अब आपके सामने जो भी मर्जी एग्जांपल बनाइए, उस एग्जांपल में से खुद ही निकाल के देखिए कि वो हाई स्पिन होगा या लो स्पिन होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और टेस्ट देना बिल्कुल ना भूलिएगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ASAP Chem Time ऐप, जहां पे आपको IIT JAM, CSIR NET, GATE, CUET, PG, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज, सब कुछ मिल जाता। तो देरी किस बात की है, डाउनलोड कीजिए ASAP Chem Time ऐप या कॉन्टैक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे।